उनके लिए तो केएल शर्मा जी का एक कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता उनको हराने के लिए काफी है, और उसमें देर काहे बात की, 20 तारीख को चुनाव होगा, 4 को रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा। जो गलत अपशब्द इस्तेमाल किए गए केएल शर्मा जी को, ये भारतीय जनता पार्टी की और स्मृति ईरानी जी की मानसिकता को दिखाता है, ये उनका डर दिखाता है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि केएल शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। अकेले केएल शर्मा जी अमेठी के सम्मान को बचा करके यहाँ से सांसद बन करके 4 जून को जाएंगे। ये चुनाव अमेठी की जनता किसी को जिताने के लिए नहीं लड़ रही है, ये अमेठी की जनता स्मृति ईरानी जी को हराने का चुनाव लड़ रही है। प्रतापगढ़ में क्या लड़ाई देखती हैं सांसद संगमलाल गुप्ता जी? रामपुर खास का तगड़ा दौरा कर रहे हैं, 5 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा रामपुर खास का दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ पे, क्या स्थिति देखती हैं? आदमी को जब जिसका डर ज़्यादा होता है वहीं वो ज़्यादा प्रयास करता है, तो वो तो रामपुर खास ने हमेशा उनको चुनौती दी है, फिर एक चुनौती उनके सामने। और प्रतापगढ़ की एक कहावत है, 100 लिखा पढ़ा एक प्रतापगढ़ा, और पढ़ा लिखा तो दहियों से भी बड़ा। तो प्रतापगढ़ की जनता अपना भला बुरा सब समझती है। अब की बार गठबंधन के प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल जी हैं, और उनको पूरे प्रतापगढ़ में और खासकर रामपुर खास में उनको बहुत अपनापन मिल रहा है, स्वीकार्यता है उनकी। संगम जी कह रहे हैं कि इस बार हम रामपुर खास विधानसभा सीट से ही सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात तो नहीं है। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है, मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय अमेठी में है और अमेठी में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है जोरों शोरों से हैं, और अमेठी जो है वो इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी है। अमेठी में स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा की लड़ाई है, लेकिन इस बीच जो है वो कांग्रेस पार्टी की तैयारी बूथ लेवल से लेकर के लगातार जो है वो कार्यकर्ता जमीन पे। हमारे साथ जो है वो बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हैं, और लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली में अपने प्रदेश के तमाम जो है वो बड़े नेताओं के साथ ही बाहर से भी कई बड़े नेताओं को जो है वो यहाँ पे लगाया गया है कि ये सीट जो है वो इस बार निकालनी है। तो जानते हैं कि तैयारी बूथ लेवल पर क्या चल रही है, क्योंकि बीजेपी कहती है मेरा बूथ सबसे मजबूत। अमेठी में जो है वो इस समय हम हैं, और अमेठी में स्मृति ईरानी क्या कितना जो है वो टक्कर क्या चुनौती है, और बार बार स्मृति ईरानी कह रही हैं कि वो जो अपने नौकर को लड़ा रहे हैं राहुल गांधी डर गए हैं, इन तमाम सवालों का जवाब देती हैं आराधना जी। आराधना जी क्या कहेंगी कि स्मृति ईरानी लगातार आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी डर गए हैं, वो जो है वो उनके लड़ने की हिम्मत नहीं है, वायनाड जो है इस बार भाग गए हैं, अब रायबरेली भाग गए हैं, क्या कहेंगी इस पर? देखिए, ये उनकी मानसिकता है, और मैं तो ये कहूँगी कि अमेठी की सीट गांधी परिवार के लिए, जिसका आदरणीय राजीव गांधी जी ने जिसका प्रतिनिधित्व किया, सोनिया जी यहाँ से सांसद रहीं और राहुल जी रहे, तो मैं मानती हूँ कि ये उतनी महत्वपूर्ण सीट है जितनी रायबरेली है। उस सीट को अपने सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता को देना, ये एक बड़ा निर्णय था गांधी परिवार का भी और कांग्रेस पार्टी का भी। और मैं तो ये कहूँगी कि स्मृति ईरानी जी क्यों इसको इतना हाई प्रोफाइल मानती हैं, क्या ऐसी विशेष बात है? उनके लिए तो केएल शर्मा जी का एक कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता उनको हराने के लिए काफ़ी है, और उसमें देर काहे बात की, 20 तारीख को चुनाव होगा, 4 को रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा आप। नहीं, ये भी कहा गया कि जो है स्मृति के डर से इतने दिनों बाद जो है वो सीट घोषित की गई, तो 20 दिनों में तैयारियां मानती हैं कि पूरी हो जाएंगी जीतने लायक स्मृति जी को हराने लायक? स्मृति ईरानी जी का डर उनके मन में है, और स्मृति ईरानी जी का खौफ उनकी पार्टी में होगा। ये कांग्रेस है, यहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता ना किसी से डरता है और ना किसी के दबाव में काम करता है। क्या वजह है, स्मृति ईरानी जी अगर इतनी निडर हैं तो क्या वजह थी कि जब अमेठी में यहाँ के जो प्रोजेक्ट थे फूड पार्क गया यहाँ से, तो स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं रोक पाई उसको, क्या वजह थी? यहाँ पे कौन सा 5 साल में नया काम उन्होंने ला करके अमेठी को जनता को दे दिया? स्मृति ईरानी जी किराएदार हैं अमेठी के, 5 साल वो रही हैं, और अब उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन है समाप्त हो गया है, तो रिन्यूअल का कोई चांस नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ी वाली अमेठी को हमने जो है वो प्रधानमंत्री आवास से पाट दिया है, केवल पीएम आवास ही दिखते हैं, पहली चीज़ उन्होंने कहा। और दूसरी चीज़ कहा कि जो फ्लाईओवर दिए हैं, कोको कोला पार्क वो बता गिनाती हैं, और ये सड़कें जो हैं वहाँ पे सड़कें नहीं थी, फ्लाईओवर नहीं थे, बाईपास नहीं थे, वो सब अपने काम गिनाती हैं। देखिए, ये तो मैं तो मानती हूँ कि अमेठी की जनता का अपमान कर रही है वो। अमेठी में का इतिहास बड़ा मजबूत रहा है, इसी अमेठी में आप जगदीशपुर चले जाइए, क्या वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है वो लोगों को वो
क्या 5 साल में लगेंगे, 10 साल में लगे, ये सब 20-20 साल पुरानी इंडस्ट्रीज हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं राजीव गांधी जी लेकर के आए, राहुल गांधी जी लेकर, मेरी तो विधानसभा बगल में है, यहाँ की सड़कों में पिछले 5 साल में मरम्मत तो वो करा नहीं पाई, गड्ढा मुक्त करा नहीं पाई, ये वही सड़कें हैं जो राहुल गांधी जी ने बनवाई थी। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने अमेठी की सीट जीत ली, पर अहंकार से राजनीति नहीं चलती, सेवा भाव से चलती है। 5 साल में उन्होंने अमेठी की जनता की क्या सेवा करी, ये हिसाब किताब दे दें। चलिए एक दौर सौर, ये आप लोग कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्य बाहर से भी लोग आए हुए हैं अमेठी में, खास करके राहुल और केएल शर्मा की सीट को जिताने के लिए, क्या लग रहा है, क्या रुझान दिख रहे हैं, और स्मृति ईरानी खिलाफ़ क्या कोई गुस्सा दिख रहा है, या फिर आप लोगों की तैयारी जो चल रही है वो 20 दिनों काफ़ी, क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो नॉमिनेशन कराया गया, कोई अंदरूनी कला नहीं है अमेठी में? कोई देखिए अमेठी में या रायबरेली में कोई बाहरी नहीं आया है, ये हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का परिवार है, और अपने परिवार के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये परिवार की जिम्मेदारी है। हम अपने नेता की प्रचार प्रसार में नहीं जाएंगे तो कहीं और जाएंगे, तो हम लोग सब लोग आए हैं रायबरेली, अमेठी हमारे लिए घर, मैं तो बताया मेरा तो पड़ोस है, तो मैं तो यहीं इसी इलाके में पड़ी बड़ी हूँ, तो हम लोग तो बराबर यहाँ रहे हैं, और जो भी आया है वो अपने नेता के सम्मान में उनके प्रचार के लिए आया है, ये तो सामान्य सी बात है। आने वाले समय में 20 तारीख को यहाँ मतदान होगा, उसका प्रमाण 4 जून को मिल जाएगा। नहीं, अब राहुल गांधी पे सवाल खड़े हो रहे हैं, एक तो बीजेपी वाले सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो भाग गए यहाँ से, और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक प्रचार के लिए भी नहीं है, क्या लग रहा है कि आगे संभावना है अमेठी में आएंगे प्रचार करेंगे, क्योंकि 2019 के पहले 15 साल जो है वो राहुल गांधी को दिया कांग्रेस अमेठी ने, राहुल गांधी को 15 साल दिया, और 15 साल राहुल गांधी जी ने लगातार अमेठी की जनता के बीच में वो प्रतिनिधि की तरह रहे, उन्होंने हर उस जिम्मेदारी को निभाया जो एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती। सवाल ये है कि राहुल गांधी जी के पास एक बड़ा निर्णय था कि अमेठी उन जहाँ से वो सांसद रहे, और दूसरा रायबरेली, जहाँ पे सन 1952 से आज तक कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व उन्हीं के परिवार ने किया, जहाँ पे फिरोज गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, लगातार उन्हीं के परिवार के पास वो सीट रही। सोनिया जी क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो राज्यसभा गई, तो जब राज्यसभा गई वो, तो उस परिवार के विरासत को कौन आगे लेके जाएगा, ये तो इस परिवार के जो आगे की जनरेशन होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने, राहुल जी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने परिवार की विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया, तो सबको उसका स्वागत करना चाहिए। और उन्होंने अमेठी छोड़ा नहीं, केएल शर्मा जी गांधी परिवार के सबसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से हैं, और वो चाहते तो अमेठी से किसी को भी लड़ा सकते थे, वो अमेठी से किसी को भी लड़ा सकते थे, गांधी परिवार किसी से भी, अपने परिवार के सदस्य को लड़ा सकता था, पर केएल शर्मा जी जो सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता थे उनको लड़ाकर कांग्रेस ने ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, और उनका एक कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता अमेठी की विरासत को आगे ले जाएगा। जहाँ तक डर की बात है, यहाँ तक जो गलत अपशब्द इस्तेमाल किए गए केएल शर्मा जी को, ये भारतीय जनता पार्टी की और स्मृति ईरानी जी की मानसिकता को दिखाता है, ये उनका डर दिखाता है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि केएल शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, अकेले केएल शर्मा जी अमेठी के सम्मान को बचा करके यहाँ से सांसद बन करके 4 जून को जाएंगे। ये चुनाव अमेठी की जनता किसी को जिताने के लिए नहीं लड़ रही है, ये अमेठी की जनता स्मृति ईरानी जी को हराने का चुनाव लड़ रही है। जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लग रहा है कितने वोटों का आंकड़ा जो है वो होगा, क्योंकि दो मुख्यमंत्रियों को उतार, पूर्व मुख्यमंत्रियों को उतारा गया है, बाहर से भी कहा गया है कि बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए आए हैं अमेठी में, रायबरेली में, तो क्या लग रहा है कितने जीत का मार्जिन? देखिए फिर मैं दोहराऊंगी कि कोई बाहरी नहीं है, ये सब कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। हमारे दो पूर्व मुख्यमंत्री जो यहाँ पे आए हैं, आदरणीय गहलोत जी और बघेल जी, ये कांग्रेस परिवार के मजबूत कार्यकर्ता भी हैं, सदस्य भी हैं। इन सबके पास, गहलोत जी के पास तो 45 साल पुराना उनका परिवार से रिश्ता रहा है, तो वो, और आज नहीं, वो 1981 में भी राजीव गांधी के चुनाव में सलोन के इंचार्ज थे, तो कोई पहली बार नहीं आए, हमेशा आए, हमेशा आते रहे, हम सब लोग हमेशा चुनाव में सक्रिय रहे, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। मैं इतना ही कहूँगी कि ये कांग्रेस परिवार
का जितना अमेठी और रायबरेली ये गढ़ है, परिवार है, ये हमेशा से कांग्रेस के विचारधारा के साथ लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेकर के यहाँ के लोग चले हैं और उसी विचारधारा को आगे लेकर के चलेंगे। एक सवाल और करेंगे, प्रतापगढ़ के भी हमारे दर्शक हैं, आप जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के नेता हैं, तो वो प्रतापगढ़ भी सीट जो है आपकी रामपुर खास है, प्रतापगढ़ में क्या लड़ाई देखती हैं? सांसद संगमलाल गुप्ता जी रामपुर खास का तगड़ा दौरा कर रहे हैं, पांचों विधानसभाओं में सबसे ज्यादा रामपुर खास का दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ पे, क्या स्थिति देखती हैं? आदमी को जब जिसका डर ज्यादा होता है वहीं वो ज्यादा प्रयास करता है, तो वो तो रामपुर खास ने हमेशा उनको चुनौती दी है, फिर एक चुनौती उनके सामने। और प्रतापगढ़ की एक कहावत है, 100 लिखा पढ़ा एक प्रतापगढ़ा, और पढ़ा लिखा तो दहियों से भी बड़ा। तो प्रतापगढ़ की जनता अपना भला बुरा सब समझती है। अब की बार गठबंधन के प्रत्याशी SP सिंह पटेल जी हैं और उनको पूरे प्रतापगढ़ में और खासकर रामपुर खास में उनको बहुत अपनापन मिल रहा है, स्वीकारता है उनकी। संगम जी कह रहे हैं कि इस बार हम रामपुर खास विधानसभा सीट से ही सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात तो नहीं है, हर आदमी का अधिकार है, देखें सपना। वो तो 2022 में भी लगे थे कि अब की बार तो हम यहाँ झंडा गाड़ी देंगे भाजपा का, पर मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ रामपुर खास का। नहीं, वो कह रहे हैं पिटाई हो गई इसलिए हम वहाँ चले, मतलब मार दिया गया हमको इसलिए वहाँ। अब अगर वो खुद स्वीकार रहे हैं कि उनको मार दिया गया तो मैं उसको तो FIR करवाए थे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारा, पर वो FIR में गलत उन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश में भी, उन्हीं की सरकार केंद्र में भी, तो क्या वजह थी कि उनकी सरकार होने के बाद भी उनके FIR पे सिटिंग सांसद की कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि वो पूरी तरह से झूठा माना गया, उन्हीं की सरकार की SIT की रिपोर्ट थी कि ये पूरा पूरा झूठ है। तो अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं है कि रामपुर खास, वो तो खींच वो 22 के चुनाव में निकाल चुके हैं। रामपुर खास ने 44 साल में फिर इतिहास रच दिया, 9 बार मेरे पिता को और 3री बार मुझे जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेज करके रामपुर खास ने दिखा दिया कि केवल विकास और आपस हमारा परिवार का जो उनका रिश्ता है वो हमेशा कायम था, कायम रहेगा। रामपुर खास का एक एक कार्यकर्ता मेरे परिवार के सदस्य की तरह है, वहाँ की जनता मेरे लिए क्षेत्र और मतदाता नहीं, वो मेरा परिवार है। एक सवाल और, प्रियंका गांधी जी कह रहे हैं अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो 200 सीटें भी बीजेपी नहीं आएगी, तो निष्पक्षता का सवाल कैसे आप लोग कर रहे हैं? क्या अभी भी शंका है कि बीजेपी खेला कर सकती है, इस तरीके की चीजें कुछ हैं? देखिए, शंका विपक्ष को नहीं, अब तो भाजपाइयों को भी हो गई शंका। 400 पार का नारा था अगर याद हो चुनाव के शुरुआत में जी। आप मुझे बता दीजिए कि प्रधानमंत्री किसी में 400 पार बोलते हैं? किसी चुनाव मीटिंग में अब नहीं बोलते, क्योंकि उनको भी पता है कि कितना भी EVM से अगर EVM की हैकिंग करेंगे भी तब भी वो 200 का आंकड़ा पार करने वालों में से नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं ओवरऑल? देखिए, मैं इतना ही कहूँगी कि एक मजबूत विकल्प की तरह इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और गिनती की शायद 1 या 2 सीटें छोड़ दीजिए, हर सीट पर भाजपा को चुनौती दे रही है, मजबूत चुनौती दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो या समाजवादी का प्रत्याशी। तो राहुल गांधी जी आ रहे हैं अमेठी? लगातार रहेंगे, राहुल जी और प्रियंका जी लगातार अमेठी रायबरेली का दौरा कर रही हैं, हम सब लोग लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। क्योंकि तो राहुल जी स्मृति जी का नाम लेंगे कि नहीं, क्योंकि ये भी वो होता है, ये कौन बता सकता है? स्मृति जी में ऐसी कौन सी चीज़ बड़ी खास है कि उनका नाम लिया जाए? उनका नाम तो मैं भी नहीं चाहूँगी कि मैंने लिया एक बार भी नाम, तो राहुल गांधी क्यों नाम लेंगे? उनका कोई कौन सा कोई मतलब बहुत बड़ा उनका वो है? स्मृति जी यही तो वो कहती है कि जो है वो उनको टारगेट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए वो एक सांसद है, 550 सांसद है पूरे देश भर में, वो भी एक सांसद है, उसमें कौन सी ऐसी कोई बहुत विशेष चीज है? यानी ज्यादा सीटें आप लोगों की इंडिया गठबंधन की UP में आने वाली है? बिल्कुल आई। ठीक है, ये हमारे साथ जो है अमेठी में आराधना मिश्रा मोना जी थी, इनसे बातचीत किया। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, अमेठी और रायबरेली सीट जो कांग्रेस लगातार परंपरागत सीट रही है, इस पे क्या होने वाला है? अपने सुझाव दें इस वीडियो में ही। जय हिंद, जय भारत।